हमें शुरू करना है डेली एक्टिविटीज, तो पहले ये जान लें हम डेली एक्टिविटीज कहते किसको हैं। डेली एक्टिविटीज को इंग्लिश में एक और भी नाम दिया जा सकता है, डेली रूटीन। क्या बोल सकते हैं? डेली रूटीन या डेली एक्टिविटीज। सो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ डेली एक्टिविटीज और डेली रूटीन इज दैट व्हाट वी डू फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, व्हाट वी डू फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, द सेम थिंग वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश इज कॉल्ड डेली एक्टिविटीज। जो काम हम सुबह से लेकर शाम तक करते हैं उसी को अंग्रेजी में बोल देना हमारा डेली रूटीन कहलाएगा या डेली एक्टिविटीज कहलाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज गोइंग टू अराइज ऑन व्हाट बेसिस वी हैव टू स्पीक, हमें किसके आधार पे बोलना है। वो आधार क्या होगा, हम कौन से टेंस पे बोल रहे हैं, वेदर इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब हमें तय करना है, हमने पहला टेंस शुरू किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस, तो आप अफर्मेटिव सेंटेंस पे बोलेंगे। तो रूल आपके सामने है सब्जेक्ट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, राइट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस अफर्मेटिव सेंटेंस आपने शुरू कर दिया है डेली एक्टिविटीज। तो मैंने कहा था पहले हिंदी में बनाइए, वो हिंदी में क्या बनाएंगे, मैं सुबह उठता हूं, मैं बाथरूम जाता हूं, मैं फ्रेश होता हूं, मैं नहाता हूं, मैं गॉड की पूजा करता हूं, मैं एक कप चाय पीता हूं, मैं नाश्ता करता हूं, मैं अखबार पढ़ता हूं, मैं ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्पीकिंग सेंटर जाता हूं, मैं दोस्तों से बात करता हूं, उनसे डिस्कस करता हूं, मैं अपना क्लास अटेंड करता हूं, मैं 8 बजे वापस आता हूं, मैं कपड़े चेंज करता हूं, मैं स्कूल यूनिफॉर्म पहनता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं अपने स्कूल जाता हूं, मैं वहां 5 पीरियड अटेंड करता हूं, मैं वापस आता हूं, मैं कपड़े चेंज करता हूं, मैं थोड़ी देर आराम करता हूं, 1 गिलास ठंडा पानी पीता हूं, मैं दोपहर का खाना खाता हूं, मैं सो जाता हूं, फिर मैं 4 बजे उठता हूं, अपना हाथ मुंह धोता हूं, मैं 1 कप चाय और बिस्किट लेता हूं, मैं बुक और बैग लेता हूं, मैं कोचिंग सेंटर जाता हूं, फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्लास अटेंड करता हूं, मैं 6 बजे वापस आता हूं, मैं बुक और बैग रख देता हूं, पैसे और बैग मैं लेता हूं, मैं बाजार जाता हूं, मैं सब्जी खरीदता हूं, मैं 1 गिलास जूस पीता हूं, मैं 7 बजे वापस आता हूं, मैं अपना होमवर्क पूरा करता हूं, मैं सभी को शेयर करता हूं, मैं 30 टाइम प्रैक्टिस करता हूं, मैं अपने कोर्स को रिवाइज करता हूं, मैं टीवी देखता हूं, मैं म्यूजिक सुनता हूं, मैं समाचार सुनता हूं, अपने फैमिली मेंबर्स को शेयर करता हूं, 10 बजे मैं खाना खाता हूं और मैं सो जाता हूं। ये मेरी रही डेली एक्टिविटीज। अब इसी को इंग्लिश में बोल देना है तो आपकी शुरुआत होगी हर हाल में सब्जेक्ट आपका आई बोलना है, तो बोलेंगे आई, और उठता हूं का अंग्रेजी होता है गेट अप, तो बोलेंगे आई गेट अप इन द मॉर्निंग। क्या बोलेंगे? आई आई गेट अप इन द मॉर्निंग, आई गो टू बाथरूम, आई कम बैक आफ्टर सम टाइम, आई वॉश माई हैंड, आई क्लीन माई टीथ, आई टेक बाथ, आई वर्शिप गॉड, आई चेंज माई क्लॉथ्स, आई टेक 1 कप ऑफ टी, आई रीड न्यूज पेपर, आई टेक माई ब्रेकफास्ट, आई वियर माई क्लॉथ्स, आई गो टू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्पीकिंग सेंटर, आई अटेंड माई क्लास ऑफ स्पीकिंग, आई टॉक टू माई फ्रेंड्स, आई डिस्कस विद डेम, आई कम बैक एट 8 o'clock, एट 8 o'clock आई चेंज माई क्लॉथ्स, आई टेक माई फूड, आई वियर माई स्कूल यूनिफॉर्म, आई गो टू माई स्कूल, आई अटेंड 5 पीरियड्स ओवर देयर, आई कम बैक एट 2 o'clock, आई चेंज माई क्लॉथ्स, आई टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, आई ड्रिंक 1 cold glass ऑफ वाटर, आई टेक माई लंच, आफ्टर टेकिंग लंच आई स्लीप, आई गेट अप अगेन एट 4 o'clock, एट 4 आई वॉश माई हैंड एंड फेस, आई टेक 1 cup ऑफ टी विद बिस्किट्स एंड स्नैक्स, आई गो टू कोचिंग सेंटर, आई अटेंड माई क्लास ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, आई कम बैक एट 6 o'clock, एट 6 आई पुट माई बुक्स एंड बैग इन द सेल्फ, आई टेक मनी एंड बैग, आई गो टू मार्केट, आई बाय सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, आई ड्रिंक जूस फ्रॉम जूस कॉर्नर, आई कम बैक एट 7 o'clock, एट 7 आई पुट द वेजिटेबल्स इन टू माई किचन,
and I practice, I complete my homework, I revise my course, I share with my parents, I practice 30 times, I watch television, I enjoy some music and movies, I listen to news also, I take my dinner at 10 o'clock in the night, and I say everybody good night, and I go to bed. That's all. Thank you. This is my daily activities.